जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे ब्रज वास, राधे मित्रों आपका मित्र सखा दोस्त आज दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक। और आज का सब्जेक्ट है, और ये सवाल किया है हमारी दिल्ली की सखी ने कि सखा जी मैं एकादशी रखती हूँ तो क्या मुझे नवरात्र रखने चाहिए। मेरी सासू माँ कहती है रखो करो, माता के व्रत हैं, माँ जगत जननी है। तो मैं क्लियर कर दूँ, माँ जगत जननी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनका सवाल यह है कि मुझे व्रत रखने चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने जोड़े से रखने चाहिए, सारे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। अगर मैं नहीं रखती ठीक है तो कोई अपराध तो नहीं, पाप तो नहीं लगेगा, जबकि मैं एकादशी रखती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि एक एकादशी से ही संपूर्ण प्राप्ति हो जाती है, अर्थात तुम मुझे पा ले तो समझो सारी कृपा तुम पे हो जाती है। इस बारे में आप अपनी राय रखिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके सवालों का जवाब देना चाह रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। तो मित्रों जो भी भक्ति मार्ग में दास दीपक को पहली बार सुन रहे, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन और वीडियो का दबा दें ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक आप मेरे साथ अपडेट रहें। तो चलिए सवाल के जवाब की ओर। सबसे पहले एक प्यारा सा भजन, क्या माँ मेरी है वरदानी मुझे ऐसा वर तू दे दे, तेरी भक्ति करूं मैं हर पल इतनी शक्ति दे दे। माँ मेरी है वरदानी मुझे ऐसा वर तू दे दे, तेरी भक्ति करूं मैं हर पल इतनी शक्ति दे दे। माँ जय जय माँ अम्बे माँ मेरी माँ, माँ जय जय माँ अम्बे माँ मेरी माँ। सबसे पहले आप सभी को माँ अम्बे जगदम्बे के पावन चैत्र के पावन नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सवाल के जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी सखी का सवाल है कि मुझे नवरात्रे करने चाहिए कि नहीं, जबकि मैं एकादशी रखती हूँ, निर्जला भी एकादशी रखती हूँ, और अगर नहीं रखती तो क्या प्राप्त नहीं लगेगा। पहले बात जो माँ के नवरात्रे रखते आए हैं अगर वो रख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, भले वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। देखिए भले वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, भले वो एकादशी रख रहे हैं, माँ के अगर नवरात्रे रख रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि माँ अम्बे भी राम नाम का हरि नाम का ही गुणगान करती हैं, वो माँ अम्बे जगदम्बे ही उनकी शक्ति है इस धरा पे। ये बात आप समझ लीजिए, जगत की जननी, जगत जननी वो माँ अम्बे है, ये बात याद रखना। जिसे कहते हैं दुर्गा, दुर्गा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक दुर्ग है, वो उसकी अधिष्ठा देवी है। जब भी आपने देखा होगा, जब भी ये जितने भी देवी देवता होते हैं इनका दैत्यों के साथ युद्ध होता है, तो जब ये परास्त होते हैं तो देवी का आह्वान करते हैं और देवी इन्हें अस्त्र शस्त्र भी प्रदान करते हैं। आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे ना जाने कितने असुरों का नाश कर चुकी है, धर्म की रक्षा के लिए, देवों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, पूरे संसार सृष्टि की रक्षा के लिए आदि शक्ति ना जाने कितनी बार दैत्यों का असुरों का संहार कर चुकी है। इसलिए माँ अम्बे जगदम्बे के अगर आप व्रत भी रख रहे हैं तो भी आप पे क्या कृपा होगी, आप पे एक ही कृपा होगी, आपको हरि भक्ति प्रदान होगी, आपको हरि भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदान होगी। आपको पता होना चाहिए माँ अम्बे इस समय जो कि माँ वैष्णो देवी के रूप में ये त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान है, वो कल की अवतार का इंतजार करें कि भगवान ने कहा था मैं कलयुग में कल की अवतार बन के आऊंगा तब तुमसे शादी करूंगा। तो माँ खुद श्री हरि की उपासक है, वो भी राम कृष्ण नाम के नाम का ही आनंद लेती है, उन्हीं के नाम का गुणगान करती है, जबकि वो तैयार कर रही है कि किसी कब कलयुग में कल की अवतार आए और मैं उनसे शादी कर लूँ। ये माँ अम्बे जगदम्बे के बारे में मैंने जो आपको बताया, आपको पता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पे वहाँ विराजमान है, ठीक है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के रूप में, वहाँ तीन रूप में माँ पिंडी के रूप में विराजमान, तीनों को शक्ति को, तीनों की शक्ति को माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। तो अगर आप व्रत रख रहे तो कोई बुराई नहीं है, और अगर नहीं रख रहे तो कोई अपराध नहीं है। याद रखें जो नवरात्र नहीं रखते, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हो, अगर आप नवरात्रों के व्रत नहीं रखते, अब मैं व्रत की बात कर रहा हूँ, एकादशी उपवास है, एकादशी उपवास है, उप माने पास, वास माने रहना, कहाँ, उस दिन श्री हरि के समक्ष रहना, मतलब उनके नाम कीर्तन, उनके ध्यान में रहना, ये बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले व्रत की बात करते हैं। व्रत जो होता है संसारिक वस्तुओं के लिए किया जाता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे
आप मंगलवार का व्रत रखते हैं, शनिवार का रखते हैं, वीरवार का रखते हैं, ठीक है, पूर्णमासी का रखते हैं, अमावस्या का जो भी आप करते हैं, तो इस तरह के आप जो व्रत रखते हैं संसारिक भौतिक सुख पाने के लिए रखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने देवी देवता है मंत्र से बंधे हुए हैं, आपको जो फल जिससे चाहिए, जिसकी जो अधिष्ठा देवी है या देवता है, वो मंत्र द्वारा आप उन्हें प्रसन्न करें, वो आपको वो देंगे चाहे आपने कुछ भी मांगो, क्योंकि मंत्र से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो माँ अगर अंबे जगदम्बे की आप आराधना करते हो तो आपको वहां क्या मिलेगा, सिर्फ कृष्ण भक्ति। अगर माँ अंबे की जगदम्बे की आप आराधना करते हो, आप संसारी कुछ मत मांगो, तो यकीन मानना माँ आप पे अति प्रसन्न हो जाएगी और आपको हरि के शरण में भेज देगी। माँ जिससे प्रसन्न होती है उसे महादेव, और महादेव जिससे प्रसन्न होते हैं उसे राम की शरण में, मतलब हरि की शरण में भेज देते हैं। अगर आप इन शक्तियों से, महादेव से, आदि शक्ति दुर्गा से, इनका व्रत उपवास रखो, व्रत कहते हैं, उपवास बोल दिया जाता है, व्रत रखो और ये प्रसन्न हो जाते हैं, और जिनसे कुछ ना मांगो और सिर्फ कृष्ण भक्ति मांगो, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। आप कृष्ण भक्ति मांगो तो माँ अंबे जगदम्बे महादेव के ये व्रत जितने भी होते हैं आपको धन धान्य से परिपक्व कर देंगे, आपके खजाने भर देंगे बिन मांगे। और अगर आप मांगते रहोगे तो संसार में छोटी सोच है तो छोटा ही मांगोगे, लेकिन वो क्या देना चाहती वो आप नहीं समझ पाओ, वो आदिशक्ति श्री कृष्ण की ही शक्ति। ये जितने देवी देवता श्री कृष्ण के परिकर है उनके ही पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। जैसे मोदी जी के नीचे कितने मंत्रिमंडल है, लेकिन मेन उनके कौन है, मिस्टर मोदी, ठीक है। अलग अलग रक्षा मंत्रालय, जल मंत्रालय, तुम्हारा अलग अलग मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, सड़क मंत्रालय, ठीक है ना, राजस्व मंत्रालय, जो जो होता है जो कर वसूल करता है, ठीक है ना। तो ऐसी मंत्रालयों का अलग अलग जगह फाइल जाती है, इसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट के देवी देवता है, लेकिन इनके जो अधिष्ठा है जो वो श्री कृष्ण है। अब जो श्री कृष्ण की एकादशी रखते हैं, जो रखते हैं, उनको कुछ भी व्रत रखने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो। मैं फिर बता दूं, अगर आप संसारी देवी देवताओं के व्रत नहीं रखते तो कोई अपराध नहीं लगेगा, लेकिन अपराध कब लगेगा, उस दिन आप गलत कार्य करेंगे, मदिरा पान करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ये जो जर्दा घुट कर चबाएंगे, सुरती चबाएंगे, ये तंबाकू है, आपको पता होना चाहिए। मैंने कई वीडियो बताया है, तंबाकू खाना अपने आप में महाअपराध है, तंबाकू खाना अपने आप में महाअपराध है, क्योंकि तंबाकू गौ माता के रक्त से प्रकट हुआ है, उससे पैदा हुई है। तो इसलिए जो तंबाकू का सेवन करता है, चाहे सिगरेट के रूप में, चाहे गुटखे के रूप में, ये खैनी तगड़ा, ये सुट्टे के जो भी होता आप खाते हो, तो ये आपको गौ हत्या समान अपराध लगता है, ये बात आप समझ लेना। तो व्रत में भी आपको किसी प्रकार का सुखता नहीं माना, लोग बीड़ी पीते, मैंने कई जगह देखा है, अरे व्रत तो क्या हो बीड़ी पी रहे, नहीं, आपका व्रत खंडित हो गया। एक हमारी जानकार है, उन्हें गुल करने का बड़ा शौक है, एकादशी का वो करती, मैंने कहा अडंबर मत करो, ठाकुर को, मेरे कृष्ण को अडंबर से बहुत दुख होता है, कितनी बार समझा चुके हैं कि ये बड़े शुद्ध भाव में व्रत तो, और उसके ऊपर एकादशी शुद्ध भाव में रखा जाता है। तो इसलिए कभी भी आप किसी चीज का अपने मन से भाव मत रखिए, मैं ऐसा कर लूं व्रत माना जाएगा, नहीं, इसके नियम होते हैं, एकादशी के नियम होते हैं, शास्त्र अनुसार आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो इसका झूठ का अडंबर मत करो, सब पे लागू चाहे मैं क्यों ना, ठीक है ना। आप जिस दिन व्रत रख रहे हो या उपवास रख रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरा आपका खान पान होना चाहिए, और व्रत उपवास रखने से पहले एक दिन पहले आपका पेट में आहार भी शुद्ध जाना चाहिए। कई लोग होते हैं पी पा लेते हैं, भाई कोई बात नहीं, मंगलवार का व्रत है, सोमवार को नॉनवेज भी खा लिया, पी भी लिया, तो क्या हुआ, लेकिन है तो आपके शरीर में ना, कोई आपका व्रत नहीं लगेगा। इस झूठ के चक्कर में मत फंसना, आज की तारीख में लोग मनमाना कर रहे हैं, अरे नहीं सब चलता नहीं है, संसार में चलता, भक्ति मार्ग में चलता नहीं है, भक्ति मार्ग में निष्ठा से उसको निभाना पड़ता है। तो व्रत भी अगर आपका सोमवार का रखे तो रविवार के दिन आपको लहसुन प्याज मत खाओ, व्रत में भी और उपवास में भी। उपवास तो एक दिन पहले शुरू हो जाता है, उपवास का परहेज तो एक दिन पहले कि चावल नहीं खाने, उपवास मतलब श्री हरि के एकादशी का उपवास, नारायण का, जो जितने भी होते हैं जो उपवास होते हैं नारायण के होते हैं, ठीक है, आपका एक दिन पहले शुरू हो जाता है, उसमें एक दिन पहले से ही आपने लहसुन प्याज नहीं खाना ताकि पेट में ना रहे, चावल नहीं खाना ताकि पेट में ना रहे, ठीक है। और एक बात, व्रत और उपवास में एक समानता है कि दोनों सुबह सूर्य उदय की किरण के साथ आरंभ होते हैं, ठीक है, लेकिन अगले दिन सुबह सूर्य उदय की किरण पे ही विराम होंगे। लोग सोमवार के व्रत में रात को खा लेंगे या मंगलवार के व्रत में 12 बजे के बाद खा लेंगे, ये पूरा हो गया, नहीं भैया, हम तिथि से चलते, दिनांक से नहीं चलते। 12 बजे अंग्रेजी वक्त बदलता है,
हमारा दिन तो सूर्य सूर्य उदय के साथ होता है। तो जैसे कि आपने देखा है चैत्र के जो हमारे नवरात्र नव वर्ष माँ के नवरात्रों से शुरू हुआ है, सुबह सूर्य उदय की किरण के साथ। जब सूर्य भास्कर भगवान निकलते हैं तो ज्ञान का प्रकाश लेके निकलते हैं, धर्म का प्रकाश लेके निकलते हैं। भारत मतलब भास्कर, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है। तो यहाँ धर्म का प्रकाश है, वहीं ज्ञान का प्रकाश है। एक होता है भौतिक ज्ञान, ये ज्ञान आपको सिर्फ रोटी दे सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, ये संस्कार आपका जीवन का उद्धार कर सकता है। इसलिए व्रत और उपवास के नियम होते हैं, ये मजाकबाजी नहीं चलता कि कुछ भी खा लिया कुछ भी कर लिया। उपवास में और व्रत में भी आपको सुबह ब्रश नहीं करना है, और अगर आपने करना है उपवास में सुबह भूल गए तो सेंधा नमक उंगली में हाथ में लेके और बीच वाली उंगली से सेंधा नमक करना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक खाने से कोई अपराध नहीं लगता उपवास में, और व्रत में भी नहीं। यार हना लोग इस उंगली से करते हैं, नहीं, अगर आपने एक दिन पहले उपवास में रात को ब्रश नहीं किया है तो आप सुबह उठ के बीच वाली उंगली से, इससे यही होती है, इसमें हाथ में सेंधा नमक लेके करिए और कुल्ला कर दिए अपना, फिर पूजा पाठ करके उपवास आरंभ कीजिए प्रभु को साक्षी मान के। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, आप अंधविश्वास में ज्यादा चल रहे, रात को 12 बजे हो गया कि बुधवार लग गया अब व्रत टूट गया अब उपवास टूट गया, नहीं, सूर्य उदय की किरण के साथ मंगलवार का व्रत शुरू होगा, अगले दिन बुधवार को सूर्य उदय की किरण पे ही वो विराम होगा, उसके बाद ही आप कुछ खाएंगे। जो मंगलवार को आप शाम को व्रत खोलते हैं उसके बाद ही आपका पूरा परहेज चलेगा अगले दिन सुबह तक, नियम फॉलो होंगे, ये याद रखना। व्रत होता है अपनी इंद्रियों को अंकुश में रख के कंट्रोल में करके प्रभु का ध्यान करने का। उपवास माने होता उप माने पास, वास माने रहना, किसके, प्रभु के। जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करो, महामंत्र का जाप करो, भगवद गीता पढ़ते रहो, वो करो, वृंदावन में परिक्रमा लगाते रहो, वो लगो, महामंत्र का जाप करो, जितना कर सकते करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बात को समझ लीजिए, दास दीपक प्रभु की प्रेरणा से, गुरु संतों की प्रेरणा से बोल पा रहा है, आप तक पहुंचा पा रहा है। आप समझना ना समझना आपके ऊपर है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है। मुझे प्रेरणा प्रभु ने दी, सुबह सुबह तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए यार रखना, नवरात्रों के अगर आप व्रत नहीं रखते तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन यहाँ पे मनमाना खाना खान पान करोगे, मदिरा पान करोगे, मांस करोगे, सिगरेट घुट कर तम्बाकू चबाओगे, गलत आचरण करोगे तो अपराध लगेगा। लेकिन एकादशी जो नहीं रखता उसे अपराध लगता, क्योंकि इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का अंश है, इसलिए हमें एकादशी रखनी चाहिए। क्यों, हमारे ईष्ट श्री कृष्ण है, भगवद गीता में श्री ने कहा है ना, सब कुछ मुझसे है, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, संसार के हर कण कण में अणु में मैं ही विद्यमान हूँ। अर्थात सबसे बड़ा अपराध पता क्या है, हम अपने श्री हरि को भूले बैठे, यही अपने आप में अपराध है कि जिसका हम अंश है उसे भूले बैठे, इसलिए सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए एकादशी रखे करो, वरना जो एकादशी नहीं रखता उसको अपराध लगता है, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन जो व्रत नहीं रखता उसे अपराध नहीं लगता, लेकिन जो एकादशी रखता है उसे व्रत रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिसने श्री कृष्ण को पूज लिया, श्री कृष्ण को मान लिया, वो सापे देवी देवता की अपने आप पूजा हो जाती है। जैसे पेड़ की जड़ के अंदर पानी डाला जाता है तो पत्तों तक पहुंच जाता है, एक ही पत्ते पे पानी डालने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार श्री कृष्ण जड़ है, उनसे ही सारे देवी देवता संसार प्रकट हुआ है। आप श्री कृष्ण को, श्री हरि को पूजो, उनका उपवास रखो, उनका नाम कीर्तन करो, संकीर्तन करो, आपको कभी भी किसी देवी देवता के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर कोई आपको कुल देवी देवता भी होंगे ना, वो आप पे कभी भी किसी भी प्रकार का आप पे कोई भी कहते ना गुस्सा नहीं करेंगे, कहते ना कुल देवी नाराज होगी कुल देवता, नहीं, जो श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद में रहता है, दिखावे में नहीं वाक्य रहता है कि मैं तो अपने गोविंद का, उनके नाम जप में रहता है, उनके कीर्तन में रहता है, उनका उपवास रखता है, कोई कुल देवी देवता, कोई भी देवी देवता आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्रोध प्रकट नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ तक कि श्री कृष्ण का उपवास रखने वाले पर जितने भी ये राहु केतु ग्रह हैं, जो भी आपके खिलाफ हैं, चाहे शनि हो मंगल हो, वो भी आप पे दृष्टि जरूर डालते हैं, लेकिन वो कृपा दृष्टि होती है, वो अनुकूल दृष्टि होती है आप पे, कि उससे आपकी भक्ति बढ़े, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त को कोई भी देवी देवता या कोई भी ग्रह परेशान विचलित नहीं कर सकते। यह है कृष्ण भक्ति का आनंद कि उपवास रखा करो, भक्ति मार्ग में आओ तो उपवास रखो, फिर आपको किसी भी देवी देवता की व्रत रखने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है, आप रख लो तो बात अलग है, लेकिन आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दास दीपक की बात आपको अच्छे समझ आई होगी। तो चलिए अपनी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे ब्रज, भास्कर राधे हरि बोल।